नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी बीवी जो है वो काम से घर लौट रही थी, और घर लौटते वक्त उसको एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। और रेलवे ट्रैक पे आप जानते हो कितना अनिवार्य रास्ता होता है वो। तो जब उसने रेलवे ट्रैक क्रॉस किया तो उसके सुजुकी एक्सेस में से आवाज आने को चालू हो गया। बहुत ही खतरनाक आवाज था, तो उसने बाइक साइड में पार्क कर दी और उसने मुझे कॉल लगाया। तो जब उसने मुझे कॉल किया, मैंने उससे पूछा अगर ब्रेक ठीक से लग रहे हैं, गाड़ी आगे जा रही है, एक्सलरेट किया तो उसने मुझे बोला सब ठीक ठाक चल रहा है लेकिन आवाज आ रहा है। तो मैं भी सोचने लगा क्या हो गया है, सब ठीक ठाक चल रहा है फिर भी आवाज आ रहा है। तो मुझे लगा पहले पिस्टन का कुछ काम हो सकता है। तो वो अराउंड 8 किलोमीटर दूरी पर थी, मैं उधर गया और जब मैंने बाइक चालू की तो आवाज बहुत ही खतरनाक था। तो मैंने उसे मेरी बाइक दे दी जो मैं लेके गया था ताकि वो घर आ सके। और फिर मैं सुजुकी एक्सेस पर बैठा और मैंने जब रेस किया तो आवाज तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा ज्यादा रेस किया और बाइक थोड़ी भागने लगी तो वो आवाज चला गया। लेकिन जब मैं स्लो होता था तो आवाज फिर से आता था। तो मैं ऐसे ही धीरे चला के घर पहुंच गया फाइनली। तो आवाज कैसा था, कैसे मैंने उसको ठीक किया, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो आवाज जो आ रहा था बाइक से वो कैसा था वो। तो चलिए पहले आवाज सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने सुन लिया है कैसा आवाज आ रहा है वो, तो अभी मैं क्लच केसिंग खोल के चेक करूंगा अंदर क्या खराबी है वो। अभी क्लच केसिंग कैसे खोलते हैं, ड्राइव बेल्ट कैसे रिप्लेस करते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा, आप उधर जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जहां आपको डिटेल में मिलेगा कैसे इसको निकालना है वो। तो इधर मैंने केसिंग निकाल दिया है, अभी बाइक को चालू करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें है वो और कहां से आवाज आ रहा है। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं ये ड्राइव बेल्ट कुछ अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है। तो अभी बाइक बंद करके देखते हैं इसमें क्या खराबी आई है वो। तो इधर मैंने नोटिस किया कि मेरा बेल्ट के दांत जो है वो टूट गए हैं और बेल्ट के ऊपर पूरे क्रैक्स है। तो बेल्ट मैंने थोड़ा और टर्न करके देखा तो बहुत सारे जगहों पे बेल्ट के दांत टूटे हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी बेल्ट रिप्लेस करूंगा, तो मैंने पुली बाहर निकाल दी और पुली बाहर निकालने के बाद मैंने देखा कि बेल्ट का एक दांत पुली में फंसा हुआ है, इधर आप देख सकते हो, और इसी वजह से पुली जो है वो एक्सपांड होके रह गई है और इसलिए ये बेल्ट स्लिप हो रहा है। तो एक पाना मैंने डाला और वो पीस को हटा दिया। अब ये पुली कैसे ग्रीसिंग करते हैं, क्लच लाइनर्स कैसे रिप्लेस करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा, आप उधर जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको डिटेल में मिलेगा कैसे पुली बाहर निकालनी है और उसको कैसे ग्रीसिंग करना है और कैसे उसके शूज रिप्लेस करने हैं वो। अभी इस पुली के ऊपर कुछ रबर रिंग्स और रबर गैस्केट रहते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे रिप्लेस करने हैं वो, क्योंकि मैंने वो उस वीडियो में नहीं किए हैं। और जो रोलर्स रहते हैं वो भी कैसे रिप्लेस करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो देखते रहिए। तो ये पुली निकालने के लिए और रोलर्स रिप्लेस करने के लिए आपको ये वाला टूल चाहिए। ये टूल लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है सस्ते में, अगर इसको ऑनलाइन आप खरीदने को जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो ये काम में हाथ मत डालिएगा, क्योंकि आप इसको नहीं खोल सकोगे। तो टूल को उस दोनों होल में डाल के ऐसे लगाइए और 17 mm का सॉकेट लेके बीच में जो नट है उसको लूज करके पूरा बाहर निकाले। नट निकालने के बाद उसके ऊपर किक व्हील रहता है, वो किक व्हील निकाले और किक व्हील निकालने के बाद ये ऊपर का हिस्सा बाहर निकाले। ये भी मेरा ठीक ठाक है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। और ये निकालने के बाद आपका ड्राइव बेल्ट जो है वो ऐसे आसानी से बाहर निकलेगा। फिर आपको इसका दूसरा भाग भी ऐसे खींचा तो बाहर निकलता है, जिसके अंदर रोलर्स रहते हैं वो भी खींच के ऐसे बाहर निकालिए। अब इधर आप देख सकते हैं इसके अंदर रोलर्स है, अब इधर आप देख सकते हैं रोलर्स कैसे हिल रहे हैं वो, और इधर अंदर का सिचुएशन देखिए, सब तो ठीक ठाक दिख रहा है, सिर्फ कुछ पार्ट्स रिप्लेस करने हैं। तो ये रहा मेरा नया ड्राइव बेल्ट, ये ओरिजिनल वाला है, मैंने सर्विस सेंटर से लाया है। इसको मुझे पड़े है 593 रुपीज, रेट बढ़ गई थी जब मैं इसको लेने गया था तब, इसलिए सेपरेट लिख के दिया है। फिर मैंने लाया ब्रीदर स्पॉन्ज, और ये रहे हमारे रोलर्स, इसको मुझे पड़े है 636 रुपीज, इसकी भी रेट बढ़ गई थी। फिर मैंने लाए डैम्पर्स, इसको पड़े 213 रुपीज, और फिर मेरा पुली का नट जो है वो भी खराब हो गया था, वो भी मैंने नया लाया है, और कुछ रबर रिंग्स और रबर गैस्केट लाए है पुली के ऊपर डालने के लिए। तो पहले मैं पुराने वाले सब रोलर्स जो है उसको हटाऊंगा, और इधर आप देख सकते हैं ये है पुली,
और पुली के ऊपर इधर एक रबर गैस्केट रहती है दोनों साइड से, वो मैं अभी इस वीडियो में रिप्लेस करने वाला हूँ। और एक क्लिप्स जो है वो भी मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, वो भी मैंने लाए हैं नए वाले। तो अब ये रोलर्स का पार्ट जो है उसको पेट्रोल लेके अच्छी तरह से धोइए और अच्छी तरह से उसको ड्राई कीजिए। फिर मैं डालूंगा डैम्पर, डैम्पर को ऐसे अच्छी तरह से प्रेस करके डालिए। ये अभी अच्छे फिट बैठ रहे हैं, पुराने वाले मेरे ऐसे लूज थे और गिर रहे थे और ये अच्छे फिट बैठ रहे हैं, इधर आप देख ही सकते हो। तो ऐसे आपको नए वाले डैम्पर्स लगाने हैं और नए वाले डैम्पर्स लगाने के बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा रोलर्स को ग्रीसिंग करने के लिए। तो ग्रीस लीजिए और रोलर के ऊपर हल्के से ऐसे ग्रीस लगाइए और पूरे साइड से ग्रीस लगाने के बाद रोलर को ऐसे पोजीशन में डालिए। ऐसे सब रोलर्स को आपको करना है। तो सब रोलर्स को ग्रीस लगा के पोजीशन में डालने के बाद अब टाइम है इस क्लच वेरिएटर रोलर असेंबली को गाड़ी के ऊपर बिठाने का। तो इसमें एक स्पेसर जैसा जाता है बीच में, ऐसे इसको पहले डालिए और ये अंदर डालने के बाद ये पूरी असेंबली को गाड़ी के ऊपर लगाइए। अब ये वापस बिठाते समय आपको श्योर करना है कि ये टिक से अंदर गई है, इसको अच्छी तरह से चेक कीजिए अंदर डालने के बाद, अगर ये टिक से अंदर गई है तो। तो ये टिक से अंदर जाने के बाद एक कपड़ा लेके इसको पोंछे अगर इसके ऊपर कुछ ग्रीस बीस है तो, वो ग्रीस आपके बेल्ट के लिए अच्छे नहीं है। तो अब मैं खोलूंगा मेरा रबर रिंग, रबर गैस्केट्स और क्लिप्स, और ये है मेरा पुली का नट जिसको मैंने नया वाला लाया है, और ये है मेरी पुली। और इस पुली के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आप देख सकते है इधर रिंग्स रहते है, ये रिंग को मैं अभी निकालने वाला हूँ। ये दोनों ग्रुप्स में दो रिंग्स जाते है, तो ऊपर का टूट गया था इसी वजह से ये वो रिंग इधर नहीं है। फिर इधर आप देख सकते हैं इधर एक गैस्केट जैसा रहता है, ये रबर गैस्केट दोनों साइड से रहता है, इधर भी आप देख सकते हैं ये साइड भी ये है। तो ये दोनों आपको पहले निकालने हैं। तो एक ऐसे स्क्रू ड्राइवर डाले और इसको बेंड करके ऐसे रिंग को बाहर निकाले। तो ये निकल गया मेरा एक रबर गैस्केट और ये निकल गया मेरा दूसरा रबर गैस्केट। अब ये रबर गैस्केट जो है वो कभी भी मैंने रिप्लेस नहीं किया है, अगर ये खराब हो गए है तो इसमें जो अंदर ग्रीस रहता है वो सब बाहर निकल के आपकी ग्रीस खत्म हो जाएगी और आपकी पुली अच्छी स्मूथ है और रफ हो जाएगी, जो आपको नहीं चाहिए। तो इसी वजह से पुली अगर आप ग्रीसिंग करते हो तो ये भी रिप्लेस करने के लिए याद रखेगा। ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में नहीं दिखाया है, इसी वजह से मैं अभी ये दिखा रहा हूँ। अभी पहले मैं ये दोनों रबर रिंग जो है वो वापस डालूंगा। इधर आप देख सकते हैं एक रबर रिंग मेरा पोजीशन में जा चुका है और ये गया दूसरा रबर रिंग पोजीशन में। तो दोनों रबर रिंग्स मेरे रिप्लेस हो गए है। अब मैं डालूंगा रबर गैस्केट। अभी इस रबर गैस्केट को दो साइड से रहते है, इसको ध्यान से अंदर डालेगा, जो होल जैसा रहता है वो अंदर के साइड से होना चाहिए। तो ये डाल दिया मैंने मेरे एक रबर गैस्केट और ये डाल दी मैंने मेरी दूसरी रबर गैस्केट। तो सब रबर पैकिंग मेरा इधर रिप्लेस करके हो गया है। तो ये रबर गैस्केट डालने के बाद ये पिन भी मैं रिप्लेस करूंगा। इधर आप देख सकते हैं मेरा पुराना वाला पिन कैसे खराब हो गया है वो, और उसके ऊपर ये रिंग भी आता है। और पुराना वाला रिंग अगर आप देखोगे वो कैसे किसके इधर खराब हो गया इधर आप देख ही सकते हो। तो हमेशा जब आप पुली ग्रीसिंग करते हो तो ये सब चीजें चेक करने के लिए याद रखेगा। बाद में ऐसे ग्रीस लगाए पुली के अंदर के साइड में, और अंदर की साइड में अच्छी तरह से ग्रीस लगाने के बाद पुली को असेंबल कीजिए, एक दूसरे के अंदर डालिए। अब आपको इधर नए वाले पिंच जो है वो डालने हैं। अब ये होल्स को अलाइन कीजिए अच्छी तरह से। होल्स को अच्छी तरह से अलाइन करने के बाद अभी नए वाले पिंस लीजिए, पिंस के ऊपर रिंग लगाइए और इस होल में ऐसे प्लेस कीजिए। इधर आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको प्लेस किया है वो। तो अभी ये तीन रहते हैं, तो तीनों पिंस ऐसे पोजीशन में डालिए रिंग्स लगाने के बाद। और तीनों पिंस पोजीशन में डालने के बाद अभी पुली को हिलाएगा मत, पहले इसके ऊपर एक कवर जाता है, कवर को आपको पहले ऐसे इसके ऊपर पुश करके डालना है। इसको अच्छी तरह से अंदर डालेगा ताकि वो नीचे टच हो जाए, ऐसे रोटेट कर करके इसको अंदर डाले। तो ये अच्छी तरह से अंदर जाने के बाद आप पुली को ऐसे हिला के देख सकते हो अंदर बाहर करके, अगर ये स्मूथली जा रहा है तो। तो इधर मेरा अच्छा स्मूथली जा रहा है, इधर आप देख ही सकते हो, जो अच्छी बात है। अब आपको एक कपड़ा पेट्रोल में डुबा के इस पुली को अंदर के साइड से अच्छी तरह से वाइप करना है और ड्राई करना है, कुछ भी ग्रीस है तो इधर लग के बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ग्रीस हम लोगों को जिधर बेल्ट जाता है उधर नहीं चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से वाइप करने के बाद पुली को ड्राई होने दीजिए। अभी पुली को कैसे असेंबल करते हैं वो मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है, आप उधर जाके चेक कीजिए। अभी नया वाला ड्राइव बेल्ट जो है वो अभी इधर मैं पोजीशन में डालूंगा। तो ये मेरा ड्राइव बेल्ट आ गया पोजीशन में। अब मैं इस वेरिएटर पुली का व्हील जो है ये अभी मैं वापस डालूंगा। तो इसको वापस डालने के लिए बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ आपको अंदर पुश करना है और ये पोजीशन में आ जाएगा। फिर उसके ऊपर से आपने किक व्हील निकाला था, वो किक व्हील अभी वापस पोजीशन में डालना है। फिर उसके ऊपर वाइसर लगाना है और फिर 17 mm का नट जो हम लोगों ने निकाला था वो अभी वापस लगाना है। फिर ये टूल ऐसे लगाइए और इस नट को अच्छी तरह से टाइट कीजिए, और इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद ये टूल को हटाइए, और अब आपका सिर्फ पीछे का पुली लगाने का बाकी रह जाता है, जो मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है टिक से। आप उधर जाइए और वो वीडियो देखिए।
अभी चेक करते हैं बाइक को चालू करने के बाद अगर आवाज आता है या कैसे रोटेट होता है वो। इधर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये बेल्ट अभी घूम रहा है वो। कंपेयर करके मैं आपको इधर दिखाऊंगा पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है वो। तो इधर आपने देख ही लिया है एक बेल्ट की वजह से क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है वो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे कोई भी मेरा वीडियो आपको मिस नहीं होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में।